डिप्टी सीएम ने इस दौरान वेट लिफ्टिंग भी की और इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने होली मिलन समारोह में शिरकत भी की, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फूलों की होली खेली और डिप्टी सीएम ने कहा कि योगी सरकार में गुंडे माफियाओं का सफाया हो रहा है और यूपी का लॉ एंड ऑर्डर भी मजबूत हो रहा है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक मेरठ के प्यारेलाल जिला अस्पताल पहुंचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड में निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने रजिस्टर चेक किया। इस दौरान मैनेजर अभिषेक वालिया ने उन्हें रजिस्टर से संबंधित मरीज के इलाज के बारे में बताया, जिसके बाद डिप्टी सीएम महिला वार्ड और चिकनगुनिया वार्ड में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई मरीजों से हालचाल पूछा और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं और जिन स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जाना है उन पर भी काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि H3N2 वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, सुधार चल रहा है, सभी मरीजों को उच्च कोटि का इलाज मिले इसके लिए हम बिल्कुल बराबर में तो रखोगे और अच्छा इलाज हो रहा है। कुछ मरीज एक्सीडेंटल है, कुछ को बुखार आ रहा है, बुखार के सैंपल भेजे और उनको निगरानी में रखने के लिए कहा है और सबसे हम अपील करते हैं कि जैसे ही बुखार आए तत्काल चिकित्सीय सलाह लेकर दवाइयां लें। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है, स्थितियां पूरी तरह नियंत्रण।